भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और राजधानी पटना की जमीन को भगवे रंग से पाट दिया है। पटना की सड़क पर कहीं भी चले जाइए, आपको बीजेपी के झंडे, बैनर, पोस्टर, नेताओं के स्वागत वाले बड़े बड़े तोरण द्वार, कटआउट, ये चीजें नजर आएंगी। ऐसा लगता नहीं है पटना की सड़क पर निकलने पर कि बीजेपी को छोड़कर किसी और राजनीतिक दल का वजूद इस वक्त बिहार में है। दरअसल बिहार में बीजेपी ने जिस महाजुटान की तैयारी की थी उसका वक्त आ चुका है। पार्टी की तरफ से प्रवास अभियान की शुरुआत 28 जुलाई यानी कल की गई थी और आज इसका आखिरी दिन है। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, 200 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के नेता प्रवास कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और अब बारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पटना आने की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल यानी शनिवार को पटना पहुंचेंगे। पटना पहुंचने पर उनका रोड शो होगा, इसके लिए बड़ी तैयारी की गई है। हर जगह उनके स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। लेकिन इस पूरी तैयारी के बीच विपक्षियों के साथ, विरोधियों के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी दल की नजर भी टिकी हुई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इस मेगा प्लान को लेकर के जेडीयू बोल तो कुछ नहीं रही, लेकिन जेडीयू के अंदर खलबली है। जेडीयू को लगता है कि बीजेपी इस बड़े आयोजन के जरिए एक तो बिहार में अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है, दूसरी बीजेपी का अंदरूनी प्लान क्या है इस बात को समझने के लिए जेडीयू थिंक टैंक के लोग लगे हुए हैं। फिलहाल उनके हाथ कुछ भी नहीं है, लेकिन सामने से जेडीयू का कोई नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जेडीयू के नेताओं से जब बीजेपी के इस आयोजन को लेकर पूछा जाता है तो सभी नेताओं का एक ही बयान आता है कि हर राजनीतिक दल को ऐसे कार्यक्रम करने की इजाजत है, मंजूरी है, लोकतंत्र में अधिकार है और इस पर हमको कुछ भी नहीं करना। जाहिर है जेडीयू कहकर भी कुछ हासिल नहीं कर सकती है, लेकिन बीजेपी बिहार की राजनीति में क्या हासिल करना चाहती है इसका प्लान जेपी नड्डा और उसके बाद अमित शाह के पटना पहुंचने के साथ साफ होने लगेगा। जेपी नड्डा जब संयुक्त मोर्चों की कार्य समिति को संबोधित करेंगे, अमित शाह जब रविवार को पटना में होंगे, तो देखना होगा कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए और संगठन के लिए बड़ा मैसेज क्या आता है। लेकिन फिलहाल जेडीयू नेताओं की तरफ से केवल एक मैसेज है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। चलते चलते आपको बयान सुनवाते हैं जेडीयू का। जेडीयू के नेता हैं, मंत्री हैं संजय कुमार झा, क्या कह रहे हैं बीजेपी के इस बड़े आयोजन को लेकर। मैंने कहा कि हर एक पार्टी को अपना कार्यक्रम प्रोग्राम चलाने का अधिकार है, अपना वो उसमें उनकी स्वतंत्रता है जो भी करे। इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? बीजेपी कोई मैसेज दे रही है क्या आपको? मैं नहीं जानता हूँ, हम लोग तो देख रहे हैं सुखाड़ और का रिव्यू करके आपको हम तो शुरू में वही फीडबैक दिया है कि हम लोग क्या क्या काम इनिशिएटिव ले रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं।